बेटा ये लो पानी लेते आओ। नहीं मम्मी मैं नहीं जाऊंगा। पर क्यों बेटा? मम्मी वो क्यों रे, तू फिर से आ गया? मैंने तुझे कितनी बार मना किया है कि मेरे नल पे पानी भरने मत आया कर, आज तो आ गया, दोबारा मत ना, नहीं तो मैं तेरा पैर काट लूंगा। पता नहीं कहां कहां से लोग आ जाते हैं छुआछूत करने। मम्मी मम्मी क्या हुआ बेटा? मामा जी आ रहे हैं। क्या, तेरे मामा जी आ रहे हैं? अरे बिस्किट तो खत्म हो गया, अब मैं पानी के साथ क्या दूंगी? हाँ दूध है, चाय बना देती हूँ। पर चीनी और चाय पत्ती खत्म हो गया, अब मैं क्या करूँ? मान क्या हुआ मम्मी? बेटा आज पड़ोस की आंटी ने, उसे थोड़ा सा चीनी मांग कर लेकर आओ। ठीक है मम्मी। अरे भैया आप आ गए, आइए बैठिए बैठिए। मम्मी मम्मी। भैया आप यहीं बैठे, मैं भी आती हूँ। अरे बेटा तू खाली हाथ क्यों आ गया? मम्मी वो आंटी आंटी थोड़ा चीनी दे दीजिए। रोज कुछ न कुछ मांगने आ जाता है, आज मेरे पास नहीं है, चलो जाओ यहाँ से। दीदी आई। भैया। हाँ भैया बोलिए। बहन जो हमारे गांव की जमीन थी वो बिक चुकी है, ये वही पैसे हैं, माँ ने भिजवाए हैं तुम्हारे लिए। ठीक है बहन अब मैं चलता हूँ। भैया चाय नाश्ता फिर कभी। भगवान ऐसी गरीबी किसी को ना। दीदी दीदी मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है, मुझे गाड़ी चलाने नहीं आती। ऑटो वाला 100 रुपए मांग रहा है, मेरे पास पैसे नहीं, आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं आपको शाम को दे दूंगा। तुम्हारे जैसे बेवकूफ बनाने वाले बहुत देखे, चल जाए यहाँ से। भैया मैं सच बोल रहा हूँ। देखो तो कपड़े कितने अच्छे पहना है, और हम गरीबों को लूटने आ गया है। अरे ये लड़की तुम्हें बेवकूफ बना रही है। ये लो बेटा ये मेरे पापा का फोन है, शाम को मैं पैसे दे के इसे ले जाऊंगा। अरे नहीं नहीं बेटा तुम ले जाओ। देख सुबह से शाम हो गया, लड़का तुम्हारे दिन भर की मजदूरी लेके चला गया, अब तुम भूखे पेट सोना। भले ही मैं भूखे पेट सो जाऊं, अगर उस लड़के के बाद में थोड़ा सा भी सच्चाई होगी ना तो किसी की जान बच जाएगी। अरे मालिक आप? पापा यही है जिन्होंने मेरी मदद की। बेटा तुम? बेटा मैं समझ गया, ये लो कुछ पैसे, और तुम्हारे अंदर थोड़ा भी इंफानियत नहीं है, निकल जाओ मेरे काम से।